पीएम मोदी आज प्रयागराज का दौरा करेंगे। पीएम मोदी प्रयागराज में हो रहे मातृशक्ति महाकुंभ में प्रदेश के लाभार्थी और स्वयं सहायता समूह की 2.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। अपनी तरह का ये पहला कार्यक्रम है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी इस आयोजन में महिलाओं के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी स्वयं सहायता समूह की कुछ महिलाओं से बातचीत भी करेंगे। चुनाव कानून संशोधन बिल आज राज्यसभा में पेश हो सकता है। वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने वाला चुनाव कानून संशोधन बिल कल लोकसभा में पास हो गया। बिल में वोटर लिस्ट में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए वोटर आईडी और लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रावधान है। हालांकि कई विपक्षी दलों ने बिल का विरोध किया। लोकसभा में बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, आधार केवल निवास का प्रमाण होना चाहिए, ये नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता है। वहीं AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बिल को सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ बताया, जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि बिल के विरोध में जो तर्क दिए गए वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से पेश करने का प्रयास है। जम्मू कश्मीर के बने परिसीमन आयोग ने जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 विधानसभा सीट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इससे जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें हो जाएंगी। इसमें ST के लिए 9 और SC के लिए 7 सीटें रिजर्व रखी जाएंगी। इस तरह से जम्मू कश्मीर विधानसभा की मौजूदा 83 सीटों को बढ़ाकर 90 करने का प्रस्ताव है। आयोग के प्रस्ताव पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने इसे BJP का सियासी एजेंडा बताया है। दिल्ली की एक मोहल्ला क्लिनिक में गलत दवाई से 3 बच्चों की मौत पर सियासत गर्म हो गई है। दिल्ली BJP के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दावा किया है कि गलत दवाई देने के चलते 3 बच्चों की मौत हुई। उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक में तैनात डॉक्टर्स और स्टाफ के क्लेरिफिकेशन की जांच होनी चाहिए। दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुके हैं। उधर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक्शन लेते हुए 3 डॉक्टर्स को नौकरी से निकाल दिया है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल इस मामले की जांच करेगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पानामा पेपर्स मामले में जुड़े जांच को लेकर ईडी ने ऐश्वर्या राय से पूछताछ की। जांच के सिलसिले में ईडी ने ऐश्वर्या को समन भेजा था। दिल्ली स्थित ईडी के दफ्तर में करीब 6 घंटे ऐश्वर्या राय से पूछताछ हुई। ईडी ने पनामा केस लीक से जुड़े सवालों के जवाब दर्ज कर लिए हैं। पनामा पेपर्स मामले की जांच के सिलसिले में कई बड़े चेहरों से पूछताछ हो चुकी है। देश की कई बड़ी हस्तियां जांच में शामिल हो चुकी हैं। अभिषेक बच्चन से इस मामले में पिछले महीने पूछताछ हुई थी। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन BJP सांसद पर भड़क गयी। गुस्से में जया बच्चन ने श्राप देते हुए कहा कि आप लोगों के बुरे दिन आएंगे, बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर आपके अंदर यू डोंट हैव टू रिप्लाई टू हिम सर, बात ही ना करने आप एड्रेस कीजिए शेयर को, आप शेयर पर लड़ाई घोड़ दीजिए हम लोगों का। दरअसल सदन में चर्चा के दौरान एक सांसद ने जया बच्चन और ऐश्वर्या पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी, जिस पर जया बच्चन भड़क गई। जया बच्चन ने कहा कि देखिए आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं, अगर आपका रवैया इसी तरह चलता रहा तो आपके बुरे दिन बहुत जल्द आएंगे। इस पर जब उन्हें रोका गया तो जया बच्चन ने कहा कि आप बात ही मत करने दो, सदन में भी ना बैठे, गला ही घूर दीजिए हमारा आप लोग। बहुत जल्दी आने वाले हैं, अगर आपके अंदर यू डोंट हैव टू रिप्लाई टू हिम सर, बात ही ना करने आप एड्रेस कीजिए शेयर को, आप शेयर पर लड़ाई घोड़ दीजिए हम लोगों को। पनामा पेपर लीक मामले में ऐश्वर्या राय से पूछताछ कर सियासत भी शुरू हो गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने पूछताछ पर सवाल उठाए और कहा, सरकार को जया जी का गुस्सा बच्चों पर नहीं निकालना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि जया बच्चन विपक्षी सांसदों के साथ है। इसके बाद उनके बेटे पोते और पोती को भी नोटिस भेजा जाएगा। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने उन्नाव रेप कांड मामले में दोषी BJP से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बरी कर दिया है। ये मामला 2019 का है। रेप पीड़िता अपनी 2 मौसी और वकील के साथ राय बरेली जा रही थी, लेकिन रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। हादसे में पीड़िता की एक मौसी की भी मौत हो गई थी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी में जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम धामी ने ग्राम प्रधानों से गांव में विकास के लिए सुझाव मांगे। ग्राम प्रधानों से मनरेगा से लेकर वित्तीय समस्याओं और गांव में पर्यटन विकास को लेकर सीएम के सामने सुझाव रखे। उत्तराखंड के सीएम ने ग्राम प्रधानों को कहा कि उनके सुझाव पर विचार किया जाएगा और राज्य के विकास की प्लानिंग में इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए सोमवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा कि ओमिक्रॉन के खतरे से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र से गुजारिश की है कि वो राजधानी में बूस्टर डोज लगवाने की इजाजत दे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली में आने वाले सभी कोरोना मामलों की जीनोम सिक्वेंसिंग की जाएगी और ओमिक्रॉन की जाँच होगी। आधे से ज्यादा देश शीतलहर की चपेट में है।
एक हफ्ते से पहाड़ों और मैदानी इलाकों में पारा तेजी से गिरा है। पहाड़ों में झील पोखर जमने लगे हैं तो मैदानी इलाकों में ओस की बूंदें बर्फ बनने लगी हैं। मौसम विभाग का कहना है कि मौसम के तेवर अभी कम से कम 3 दिनों तक ऐसे ही रहेंगे। मध्य प्रदेश में ठंड कंपा रही है। सीहोर में फसलों पर जमी ओस की बूंदें बर्फ बन गई। सिंचाई के लगे पाइप जम गए। मध्य प्रदेश के ही 9 गांव में भी गाड़ी के शीशे पर ओस जम गई।